हेलो गाइस, तो हम लोग चिकन बना रहे हैं। तो केतन जी चिकन धो रहे हैं। तो केतन जी बताइए के चिकन को क्या क्या करना चाहिए। तो गाइस अभी हम लोग चिकन बना रहे हैं घर पे, सोचा बहुत टाइम हो गया खाए नहीं है। तो गाइस चिकन को मैं क्या अपने तरीके से धोता हूँ, तो उसमें क्या आप सर्फ डालिए और कपड़ा घिसने वाला साबुन नहीं हो, घिसने वाला क्या होता है यंत्र, ब्रश, हाँ ब्रश होता है, उससे रगड़ रगड़ के धोइए, इससे चिकन का टेस्ट और अच्छा आता है गाइस, ठीक है ना। अभी मैंने उसी से धोया है, सॉरी फॉर आपको दिखा नहीं पाए, आपको बनाते हुए दिखाई क्या क्या इंग्रेडिएंट डालता है मैं अपने तरीके से, मेरा रेसिपी एक बार ट्राई करना गाइस, आपको अच्छा लगेगा और बताना कैसा बनाया। तो गाइस अभी हम लोग सामान वगैरह काट रहे हैं, तो ये हमारे सेवा में जो शेफ है, तो जो वीडियो में आपने सुना वो सब तो मजाक है, एक आप लोग इसको सीरियस ना लीजिएगा घर पे, नहीं तो आप लोग की हालत टाइट हो सकती है, ठीक है। ये देखिए हम लोग का प्याज कट चुका है। सो गाइस ये और हम लहसुन छील रहे हैं। सो गाइस इधर दिखा ना, इधर दिखा। सो गाइस हम लोग चिकन धो के आ गए हैं, ब्रश से धो के आया हूँ गाइस मैं, अभी इससे देखो क्या मस्त अच्छा दिख रहा है, अभी हम लोग बनाते हुए दिखाएंगे, ठीक है ना गाइस, बाय बाय। वीडियो में बने रहिए, ये हम कट कर छील रहे हैं, बंद कर पॉज कर दो। गाइस हमारा प्याज व्याज कट चुका है, लहसुन कट चुका है और ये हम मिक्सी में पीस रहे हैं। हम नहीं, मैं हाँ, ये केतन क्रेडिट भी दिया करो भाई। हाँ ये केतन मेरे को क्रेडिट नहीं देता है, क्रेडिट भैया पूरा क्रेडिट, पूरा रुपया तुम्हारे में क्रेडिट, ठीक है। ये मिक्सी को पीस रहे हैं, कट चुका है टमाटर, ये चिकन, अरे इधर इधर इधर। सो गाइस क्या ये मसाले को मैंने इसमें क्या है, पहले प्लांट डालते हैं, ठीक है ना गाइस, फिर थोड़ा सा सरफ हुआ आपके घर में और साबुन का एक टुकड़ा डाल देना, इससे चिकन हमारी टेस्ट अच्छा आएगा। गाइस प्लीज ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी हालत टाइट हो सकती है, घर वालों से मार पड़ सकती है। अरे हमको याद तो करेंगे भाई, याद करेंगे भाई, केस कर देंगे, तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी। यहाँ पे शिवम सर क्या बना रहे हैं, आप कुछ बताएंगे इंग्रेडिएंट्स? ओ लहसुन छान रहे हैं गाइस उसको, लहसुन। चलो हमारे शेफ सर यहाँ पे ये मसाला देखा जा रहा है। चलिए गाइस हम आपको अब डायरेक्ट कुकिंग के टाइम मिलते हैं, अभी हमको थोड़ा काम करने दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब। टपा गाइस हमारा गैस चालू हो चुका है और यहाँ पे चिकन की रेसिपी शानदार बनी जा रही है। एग्जॉस्ट साउंड सुनिए गाइस, ना पैसा ली हो सोशल पट्टा में बीजना पड़ेगा। अरे नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही रख दे भाई, देख पूरा गुट्टा गुट्टा है भाई, गाइस गुट्टा गुट्टा यहाँ पे शानदार इंडियन ग्रीन। यहाँ पे शेफ जी का चिकन देखते हैं, नहीं बता रहा गाइस हमारा, ये कोई ट्रिक बताइए। सो गाइस अगर आपके घर कहाँ दिखाई, सो गाइस अगर आपके घर में सिलपट्टा होगा, सिलपट्टा मींस आपको अभी दिखाते हैं क्या होता है, सिलपट्टा पहले ले पहले बोले ना भाई। गाइस तुम तो चिकन देखिए, हाँ क्या हुआ गाइस, ये रहा सिलपट्टा। सो गाइस ये क्या है, पहले सिलपट्टा को ऐसे साफ किया जाता है, ठीक ना गाइस, फिर आपके ये साबुन होना चाहिए, ये मसाला दिख रहा है वो भी इसमें ऐड होगा गाइस जिससे टेस्ट अच्छा आएगा। हाँ गाइस जिससे टेस्ट अच्छा आएगा और अच्छे से धोना गाइस, क्योंकि इसमें क्या है बैक्टीरिया वैक्टीरिया कहीं हो जाए तो टेस्ट और बढ़ जाता है, इसलिए उसको अच्छे से धोना। हाँ गाइस आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, ये जो यंत्र है लो पथरा लग तो रहा है, पथरा पत्थर का जो भी है, ये क्या बोलते हैं गाइस, देखो साबुन को पहले से लगा चुका होगा इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ नहीं 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 नहीं, इसको धोने के धोते टाइम साबुन लगाएंगे तब बोलेंगे ये बाद में लगाना था आपको साबुन, पहले नहीं प्लेट तो लेके आओ, इसमें थोड़ी ना रखूंगा मैं। रुकिए गाइस हम प्लेट दे देते हैं केतन ब्रो को, ये पत्ता खा रहे हो आप, जानवर हो क्या क्या गाइस यार, ऐसा करोगे ओ लग गया ब्रो। चलो अपन प्लेट देख एक्शन, तो गाइस ये क्या बिछ चुका है, ठीक है ना गाइस, देखो ऐसे पीसा जाता है, आपको ऐसे ही थिक थोड़ा करना चाहिए तो इससे क्या टेस्ट अच्छा आएगा और गोलगप्पा खाए ही होगा आपने, वैसे हम लोग बनाते हैं गाइस
जो गोलगप्पे का टेस्ट है। हाँ, जो गोलगप्पे का टेस्ट जो अंकल भैया लोग करते वैसे हमने अभी करके लिया, वो चीज दिखा नहीं सकते क्योंकि ईटन प्लस बच्चे लोग भी देखते हम लोग का अच्छा बोलते ब्लॉग, इसलिए हम नहीं दिखा सकते गाइस। सो गाइस ये पीस जाने के बाद अपन को क्या करना गाइस, ऐसे मग्गे में पानी लेना है फिर उसको साफ कर देना है ऐसे। अब साबुन तो लगाओ, तभी तो साबुन का यूज बताएंगे। साबुन वाला क्लिप पहले डाल देंगे। ओके अच्छा नहीं लगेगा। चलिए ठीक है गाइस, हमारे शेफ जी मसाला भूनने में लगे हैं। ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है इसलिए हमने आपको नहीं बताया, समझ सकते हैं आप। सेफ आप कुछ बोलना चाहेंगे? सेफ सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर गाइस देख सकते हैं केतन जी का काम। अगर आप घर का काम नहीं करते हो, मैं घर का काम कर लिया करो, इससे क्या बॉडी बनती है। मेरी बॉडी का राज गाइस यही है। दिखा अपनी बॉडी करो, अरे ये क्या स्ट्राइक दे दूंगा भाई कुछ कर, वो रीजन भी मांगता है। रीजन दूंगा ना, क्या रीजन देगा? गाइस हमारा मसाला डल चुका है पानी के साथ, क्या क्रिस्पी मसाला लग रहा है। और चिकन का वेट है, चिकन डलेगा फिर हमारा बनेगा मसाला। केतन जी का बर्तन देखते हैं, किचन जी देखिए फिर गंदा कर दिया यार, तो सारा फिर से आ रहा हूं, फिर से थोड़ा साफ कर ले दे यार, तो अच्छा भी दिखना चाहिए भाई यार अपना इलाका थोड़ा। सही बात है कि नहीं यार भाई, तुम गंदा कर रहे हो तो गंदे ही दिखेगा मसाला ऐसी टाइम पे आते हो। गाइस देख सकते हैं केतन जी का बर्तन धोते हुए। पापा ने दूध जला दिया था तो बहुत हार्ड काम है, ये जला हुआ क्या बोलते हैं, तो इसको बना के रख दो, अभी नहीं धो पाओगे इसको, ये कल से जला हुआ है। तो जाके लाना थोड़ा बढ़िया ना, पर ईटा ईटा किसान पर है। चलिए गाइस केतन तो जी बर्तन धोते रहेंगे, तब तक हम अपनी सब्जी पे आ जाते हैं। हमारा मसाला भी खोलना स्टार्ट हो चुका है। चलिए गाइस अब मसाला बताएंगे नहीं हमने, इसलिए आपको नहीं दिखाया क्योंकि हमारा सीक्रेट मसाला डला है। ठीक है चलिए अब बना, हम मिलते हैं आपको चिकन खदकने के बाद। बाय बाय गाइस। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, केतन जी क्या कर रहे हैं आप? सो गाइस ये अंडे को थोड़ा, इसमें मैंने सर्फ डाला है, देखो थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सर्फ है अंडे के अंदर, ये देखो जिससे झाग बन रहा है। बहुत ही नया, सोचा यूट्यूब में जो दिखाते ना वो पफी ऑमलेट, हाँ वो तो हो जाता है, समझ गए होगे आप लोग, वही मैं बना के कोशिश कर रहा हूँ गाइस, बन जाएगा तो दिखाएंगे, नहीं बनेगा तो भी दिखाएंगे गाइस, ठीक है ना। फाइनली चिकन डल चुका है, चिकन को फ्राई कर लेता पता है। चलो अब इसको थोड़ी देर खदकने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद डालेंगे पानी। डैन चिकन इज कम्प्लीटेड, यहाँ पे हमारे शेफ फ्री हो चुके हैं अभी, कुकिंग सीख के आया हूँ गाइस। और ये गाइस ये अपना अंडा है, ये अपन डाल रहे हैं इसके अंदर, देखो गाइस दूध डाला, तेल तुम ज्यादा डाल दिए, ये झाग चाहिए था मेरे को, दूध भी मिला नहीं। अब हम क्या करते हैं भाई, तेल ज्यादा हो गया तो चम्मच तो लेके आओ इसी इसे करने के लिए। देखिए गाइस केतन शेफ देखो। चलिए गाइस अब ये डायरेक्ट अब हम आपको मिलते हैं खाने को। गाइस देख सकते हो हमारा पफी ऑमलेट बहुत अच्छा केतन ने पकाया है, इन्वेंटेड बाय मी केतन। खेल खलखो माइनस। देखिए अब ये ऊपर से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, अब हम दिखाएंगे आपको खाना खाते समय टेस्ट कैसा है इसका। तो गाइस हम इसको खाने के साथ खाने वाले थे पर केतन जी ने अभी स्टार्ट कर दिया, इनको लगी थी बहुत जोड़ की भूख, तो इसका टेस्ट करके बताते हैं। ऐसे खाते हैं गाइस, थोड़ा तो बताता हूँ कैसे खाते हैं। टेस्ट ठीक है, बस नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। नमक और मसाले का टेस्ट कैसा आ रहा था? पफ ऑमलेट का
वो देखिए कितना बढ़िया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए अपेक्स एडवेंचर को फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। बहुत अच्छा गाइस, आप भी आना खाने का, भी बना के खिलाएंगे। तो गाइस हमारा डिनर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं बहुत टेस्टी सब्जी लगी है। हमारे सेफ तो खाना भी स्टार्ट कर दिया। सेफ सर कैसी है सब्जी? मजेदार। केतन सर आपका रिव्यू? केतन ब्रो ओ ओ रिव्यू बताइए। सो गाइस हम खाने में इतना मगन हो गए थे कि ब्लॉग चल रहा है, हम देख नहीं पाए। हाँ गाइस बहुत इम्पोर्टेंट खाने में। सो गाइस खाना एक नंबर बना है, सब्जी हमने सिवन भाई ने, सिवन भाई को दिखाओ हमारे सेफ। और गाइस चिकन में इसलिए टेस्ट आ रहा है क्योंकि मैं अच्छे से धोया था। कैसे धोया तो आपको शुरू में पता ही होगा। कृपया करके वैसे ना धोए, नहीं तो आपको दस्त लग सकते हैं। ओके चलिए ठीक गाइस, हम लोग खाना खाते हैं, अब मिलते हैं और कभी और कुछ न्यू व्लॉग में। बाय बाय गाइस।